If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press that bell icon to get notified whenever I upload a new video. हे फ्रेंड्स, तो अब हम कंपेयर करते हैं ये ब्लू कलर का गैलेक्सी A50 का और ब्लैक कलर का गैलेक्सी A50 का. जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का सैमसंग गैलेक्सी A50 इस तरीके का दिखता है और ब्लैक कलर का इस तरीके का दिखता है. ब्लैक में थोड़ा रेडियंट फिनिश है और ब्लू में उतना नहीं है, बट दोनों ही ग्लॉसी है. इसके साइड में ब्लू कलर का आ जाता है, ब्लू कलर के फोन में, और इसमें ब्लैक कलर का साइड्स में. तो कलर डिफरेंस यही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है. इसमें ज़्यादा रेडियंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है. मुझे सबसे अच्छा ब्लू कलर लगता है ब्लैक से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट कलर है. मुझे ब्राइट कलर ज़्यादा पसंद है. अब हम बॉक्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या डिफरेंस है. क्योंकि दोनों फ़ोन सिमिलर है तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस ये है कि ब्लैक कलर के फ़ोन में आपको ब्लैक चार्जर, ब्लैक हेडफोन और ब्लैक USB मिलेगा, जो मैंने खोल लिया है. और ब्लू कलर में आपको मिलेगा वाइट चार्जर, वाइट हेडफोन एंड वाइट USB. बस यही कुछ डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन में. तो आप चूज़ कर सकते हैं. इसमें और एक कलर अवेलेबल है जो कि है वाइट, और वो मेरे पास नहीं है. मेरे पास ये दो फ़ोन है. तो आपको जो अच्छा लगे, आपका फेवरेट कलर आप चूज़ कर सकते हैं. मेरा फेवरेट कलर ब्लू है. और हाँ, तो मैं अब आपको एक क्लोज़अप लुक दे देती हूँ. ये है ब्लैक जिसमें थोड़ा रेडियंट है, और ये है ब्लू जो ग्लॉसी है. इसमें ज़्यादा कुछ रेडियंट इफेक्ट नहीं है. साइड्स में ब्लू का ब्लू है और ब्लैक का ब्लैक. तो ये था कंपैरिजन वीडियो.